Assalamualaikum guys, welcome to my YouTube channel. आज मैं आपको चेकर वेस्ट स्वेटर बनाना सिखाऊंगी विदाउट स्लीव्स. उसके लिए हमें ये दो कलर्स चाहिए, ब्लैक एंड वाइट. सबसे पहले हम इसका बनाएंगे बॉर्डर, वो बॉर्डर जो नीचे की तरफ होता है. मैं आपको एक रिव्यू सा दे दूं एक पेज के ऊपर. ये हमारा चेक में हमारा ये है, ये हमारा ब्लैक होगा, ये वाइट होगा, ये ब्लैक होगा, ये वाइट होगा, ये ब्लैक होगा, ये वाइट, और ये हमारा नीचे का बॉर्डर होगा. सबसे पहले हम ये पार्ट बनाएंगे अपना. चलें जी शुरू करते हैं. इसके लिए हमने बनानी है स्लिप नॉट और हम बनाएंगे 12 चेन्स. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व. ये हमारी 12 चेन्स बन गई. अब हम एक एक्स्ट्रा चेन बनाएंगे जिसको टर्निंग चेन कहेंगे, और हम ये चेन स्किप करके फर्स्ट हम सेकंड चेन में डालेंगे और हम बना लेंगे सिंगल क्रोशे. उसके बाद हम वेरी नेक्स्ट चेन के अंदर डाल के अगेन सिंगल क्रोशे और एंड तक बनाएंगे सिंगल क्रोशे. वापस टर्न करने के लिए हमने क्या करना है, एक एक्स्ट्रा चेन बनानी है, इसको टर्निंग चेन कहेंगे और हम घुमा देंगे. ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने हमारा ये फर्स्ट स्टिच है, ये देखें ये हमारा फर्स्ट स्टिच है जिसके टू लूप्स हैं. हमने स्टिच के अंदर से नहीं, स्टिच के बैक लूप से हमने ये देखें हमने स्टिच के बैक लूप से हमने हुक डालना है और हमने सिंगल क्रोशे बनाना है और इसी तरह से हम एंड तक जाएंगे. ये हमारी है सेकंड रो. हम देखते हैं ये कितना है. हमने टोटल वेस्ट हमने रखनी है 19 इंचेस लॉन्ग, तो ये हमारी है 3 इंच की, यानी हम 11 इंच तक हम रखेंगे. ये हमारी हो जाएगी 3 इंच. यहाँ तक हमने रखनी है 11 इंच, और यहाँ से हमारा जहाँ से हमने गला बनाना है ये हमारा 6 इंच होगा. तो ये टोटल हमारा बन जाएगा 19 इंच. तो चलें सबसे पहले हम ये वाला बॉर्डर बनाते हैं. ये हमारी फोर्थ रो है. इसी तरह से ये हमने
इतना लॉन्ग रखना ये जी। ये मैंने 90 रोज की रिबिंग बना ली है जो मेरा नीचे का बॉर्डर होगा। तो आप ये टोटल 90 रोज़ हैं और ये जो आपको लाइंस नज़र आएंगी ये टोटल 45 लाइंस हैं। तो और इसकी जो उनसी लेंथ है वो है 18 इंचेस, ठीक है। ये मेरा नाप है, आप चाहें तो अपने नाप के हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। अब हम इसके ऊपर हम बनाएंगे सिंगल क्रोशे, ठीक है। चलें जी मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। ये हमने एक एक्स्ट्रा चेन बनाई, और ये मैं सिंगल क्रोशे 96 सिंगल क्रोशेज बनाऊंगी क्योंकि मैंने इसमें 12 चेक्स डालने हैं। 6 चेक्स मेरे ब्लैक के होंगे और 6 मेरे वाइट के होंगे। तो आप किसी भी तरीके से, ये टोटल 90 हैं, 90 रोज हैं, तो ये 90 स्टिचेस बनेंगे, लेकिन आप जैसे तैसे करके इसको 96 कर लें, बीच में एक इंक्रीज कर लें कहीं, मतलब बीच में कहीं कहीं रोज में आप ये इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये जी मैंने 96 बनाए हैं, ये टोटल 90 रोज थी। तो मैंने कुछ करके एक स्टिच में इंक्रीज करके इस तरह बीच बीच में कहीं मैंने 96 स्टिचेस बना दिए हैं। अब मैं यहाँ 12 ब्लॉक्स बनाऊंगी 8 स्टिचेस के ब्लैक एंड वाइट। सबसे पहले हम वाइट बनाएंगे। ये मैंने एक एक्स्ट्रा चेन ऑलरेडी बना के रख दी है। अब मैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ये मैंने 8 स्टिचेस का एक ब्लॉक बनाया। आप चाहें तो 6 का बना सकते हैं, 10 का बना सकते हैं, 12 का बना सकते हैं, लेकिन अगर हमने 8 स्टिचेस लिए हैं तो हम 8 ऊपर हम 8 रोज बनाएंगे एक ब्लॉक को कंप्लीट करने के लिए। अगर आपने 6 स्टिचेस लिए हैं तो आप 6 रोज बनाएंगे ताकि एक पूरा ब्लॉक बन जाए। यहाँ से हम अपना चेंज करेंगे कलर, ये हमारा ब्लैक कलर है। ये हमने 8 स्टिच, यहाँ से हम अपना कलर चेंज करेंगे। ये जी हमने यहाँ से कलर चेंज कर लिया। हमने इस धागे को यहाँ ऐसे पकड़ना है, ये वाइट धागे को, ताकि ये पीछे से नज़र ना आए। ये निकालेंगे 1 2, ये वाइट आगे ऐसे रहेगा, ये देखें पीछे से ये इसके अंदर चला जाएगा। 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, ये हमारे बन गए 8 ब्लैक स्टिचेस। हमने इस वाले को पकड़ के थोड़ा सा खींच लेना है, ये देखें ये पीछे से हमारा ऐसे इसके अंदर स्टिचेस के अंदर छुप जाएगा।
अब यहाँ से हम करेंगे अपना कलर चेंज। हमने ये ब्लैक वाले को कर दिया आगे और ये वाइट वाला अब फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। अब हमने इसको पकड़ के थोड़ा सा, ये देखें ये पीछे से हमें कुछ ऐसे नज़र आएगा, तो हम इसको थोड़ा सा पकड़ के खींच लेंगे। और अब हमने क्या करना है, वाइट, अब हमने सॉरी ब्लैक फिर करना है, तो हम ये ब्लैक इसके अंदर डाल देंगे। फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसी तरह से ये देखें 8 स्टिचेस वाइट 8 ब्लैक, 8 वाइट 8 ब्लैक करके हमने ये पूरी अपनी कंप्लीट करनी है। 5, 6, 7, 8। ये देखें ये मेरी बन चुकी है पूरी फर्स्ट रो। अब हम सेकेंड रो बनाएंगे, इसको यूँ उल्टा करेंगे, इसको हम पीछे करेंगे। ये हमने एक एक्स्ट्रा चेन बनानी है, ठीक है। अब हम वन टू थ्री फोर, इसको हमने बीच में ऐसे पकड़ना है ताकि ये पीछे से, और ये हमने सिंगल क्रोशियस बनाने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। और हमने ये देखें ये पीछे से आपको कुछ ऐसा हो जाएगा, आपने पकड़ के इसको ऐसे खींच देना है, ठीक है। ये हमारा 8, हमने जब 8 स्टिचेस बना लेने हैं तो हमने ब्लैक से नहीं, क्योंकि यहाँ से हमारा कलर चेंज हो रहा है, तो हम इसमें वाइट डालेंगे, ठीक है। फिर हमने ब्लैक को ऐसे पकड़ लेना है जैसे हमने वाइट को पकड़ा था, वन ये जी मेरी 8 रोज कंप्लीट हो गई हैं। और ये मैंने एक बनाई एक्स्ट्रा चेन, ये देखें ये 8 रोज मेरी, 8 स्टिचेस 8 सिंगल क्रोशिया स्टिचेस और ये 8 रोज। अब यहाँ से हम करेंगे कलर चेंज। हम ये हमने एक एक्स्ट्रा चेन बना ली,
अब हम इसको पीछे रखेंगे। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये 8 ठीक है। और अब हम करेंगे कलर चेंज। हमने 8 स्टिचेस बनाए, अब हमने कलर चेंज करना है, तो ये फाइव सिक्स सेवन एट। इसी तरह से हम ये हमारी फर्स्ट रो है, मीन्स के इस न्यू चेक जो हमने ऑल्टर किए हैं कलर्स, इसकी फर्स्ट रो हमने इस तरह ये 8 रोज़ बना के इस तरह का एक ब्लॉक बना लेना है। ये जी ये मैंने बना लिया है 12 इंच तक। इसकी लेंथ 12 इंच है। यहाँ से हम बनाना शुरू करेंगे इसका गला। वी शेप में हमने टोटल ये बनाना है 19 इंचेस, मीन्स के इस पूरे स्वेटर की जो लेंथ होगी वो होगी हमारी 19 इंचेस। ये हमने 12 इंच तक बना लिया है। ये 8 स्टिचेस 8 रोज हैं, 1, 2, 3, 4, 5। ये 5 ब्लॉक्स के बाद जो 6 ब्लॉक है वो हमने आधा बनाना है, मीन्स के हमने इसकी नॉर्मली इसकी 8 रोज हैं तो हमने इसकी बनानी है 4 रोज। यहाँ से हम डिक्रीज करेंगे। ये हमारे टोटल ब्लॉक हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये हमारे 12 हैं तो हमारा बीच का ये बनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये 6 में आकर हमने यहाँ से हम वापस जाएंगे और हम एक स्टिच डिक्रीज करते जाएंगे, यानी हम एक स्टिच को स्किप करते जाएंगे। चलें जी मैं आपको ये करके दिखाती हूँ। ये जी ये मैं यहाँ पहुँचूँगी 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ तक मैं पहुँच कर यहाँ से वापस जाऊँगी। चलें यहाँ तक मैं, ये जी मैं 6 तक पहुँच गई हूँ। अब मैं यहाँ से जब टर्न करने लगूँगी तो मैं एक स्किप कर दूँगी। ये देखिए मैं ये अपना ये घुमा लूँगी ऐसे और अब मैं ये फर्स्ट में डालकर ये जो सेकंड स्टिच है इसको मैं स्किप कर दूंगी, मैं थर्ड में डालूंगी। और इस तरह मैं यहाँ एंड में पहुंच जाऊंगी। किया था हम यहाँ एक और डिक्रीज करेंगे और ये हम सिर्फ इस रो में करेंगे, नेक्स्ट रोज में हम ये नहीं करेंगे क्योंकि वरना फिर बहुत ज़्यादा ही स्लोप बन जाएगा। ये थोड़ा सा मैं वी शेप ज़्यादा देने के लिए इसको
एक मैं यहाँ से डिक्रीज़ करूँगी। ये देखें, ये मैंने किया, ये वाला मैं करूँगी मतलब स्किप, इसमें मैं डालकर और ये सिर्फ मैं वी शेप ज़्यादा करने के लिए मैं ये कर रही हूँ, ताकि अब मैं यहाँ से यूँ इसको पलटा दूँगी। अगेन मैंने ये फर्स्ट के अंदर डाला, फिर मैंने ये स्किप किया और ये, अब मैं जब जब यहाँ से टर्न लूँगी जब जब, तो मैं इस साइड से डिक्रीज़ करूँगी। इस साइड पर मैंने इसलिए डिक्रीज़ किया कि थोड़ा सा ज़्यादा वी शेप आ जाए। यहाँ से आते हुए मैंने सिर्फ एक दफ़ा किया, और यहाँ मैं जब भी टर्न करूँगी हर दफ़ा डिक्रीज़ करूँगी, हर वहाँ से हर दफ़ा डिक्रीज़ नहीं करूँगी। ये आप स्टेप याद रखिएगा। अब ये वहाँ तक सेम ऐसे ही होगा। फिर मैं यहाँ तक जाऊँगी, यहाँ से वापस आऊँगी, यहाँ आते हुए मैं यहाँ डिक्रीज़ नहीं करूँगी, मैं जाते हुए फिर डिक्रीज़ करूँगी, ताकि ये एक थोड़ा सा वी टाइप स्लोप बन जाए। ये जी, ये हमारा इस तरह बन गया। अब हमने इसी तरह टू ब्लॉक्स और बनाने हैं, लेकिन हम यहाँ से भी एक एक डिक्रीज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ से हमारा आर्म का पोर्शन शुरू होता है, मीन्स के आर्म होल। जैसे हमने यहाँ से डिक्रीज़ किए हैं एक एक, इसी तरह हम यहाँ से सेम डिक्रीज़ करेंगे। डिक्रीज़ मीन्स आप या तो आप अपने स्टिचेस को स्किप करेंगे एक एक। अब मैं यहाँ से जाऊँगी, यहाँ एक स्टिच स्किप करती हुई जाऊँगी, और यहाँ से वापस आऊँगी, यहाँ से भी स्किप करती हुई एक स्टिच आऊँगी। इस तरह जैसे ये कर्व बना, इस तरह हल्का सा कर्व इधर भी बन जाएगा। ये देखें, ये मैंने एक बनाया, यहाँ से मेरा कलर भी चेंज होगा। अब मैं ये वाला स्टिच करूँगी स्किप। एक मैंने ये बनाया है सिंगल क्रोशे, अब मैं ये वाला स्टिच करूँगी स्किप। मैं इसमें डालूँगी और इसमें से यॉन को निकालूँगी, और ये फिर मेरा एक, इसको कहते हैं डिक्रीज, सिंगल क्रोशे डिक्रीज। इसी तरह से आगे मैं चलती जाऊँगी यहाँ एंड तक। ये मैंने कंप्लीट कर लिया है। ये इसका गला है जो मैंने वी शेप में बनाया डिक्रीज़ कर करके। इसी तरह मैंने यहाँ भी डिक्रीज़ किया। डिक्रीज़ मैंने यहाँ से करना शुरू किया। ये मेरा जो गला है, ये मैंने 6 इंच, ये देखिए 6 इंच है, और ये मैंने 5 इंचेस से यहाँ से ये मेरा। इसी तरह ये मैंने बैक साइड बना ली है। सिर्फ मैंने बैक साइड में आर्म होल से डिक्रीज़ किया है, यहाँ से नहीं किया। अब ये मेरी अब मैं इन दोनों को स्लिप स्टिच के थ्रू अटैच करूँगी। ये मेरी सीधी साइड है, ये मेरी रॉन्ग साइड है। ये मेरी रॉन्ग साइड है, ये मेरी सीधी साइड है, यानी दो सीधी साइड मैंने रॉन्ग साइड को, मैं अब इनको स्लिप स्टिच के थ्रू अटैच। ये जी, ये मैंने स्लिप स्टिचेस के थ्रू अटैच कर लिया है। ये मैंने इतना होल आर्म होल दे दिया है, 7 इंचेस है ये नेक्स्ट। अब मैं यहाँ रिबिंग करूँगी, सिंगल क्रोशे की रिबिंग करूँगी, जो बैक लूप से होगी। चलें जी, मैं आपको थोड़ा सा करके दिखा देती हूँ।
ये जी मैंने एक रो दे दी है सिंगल क्रोशिया की। ये हमारी फ्रंट साइड है। अब हम यहाँ बैक लूप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, जैसे हमने नीचे की। ये हमारा सिंगल क्रोशिया है, ये पूरा एक स्टिच है ये, लेकिन हम इसके बैक लूप में हुक डालेंगे। ये देखें, ये मैंने बना लिया है। ये बस मैंने बैक लूप में ये सिंगल क्रोशिया बनाया। बस फ़र्क इतना है कि मैंने अपना टर्न नहीं किया, मैं ऐसे ही जैसे ही एक रो ख़त्म हुई तो अगली रो उससे आगे से ही ऐसे शुरू करती गई ऐसे। फिर ये एक राउंड कंप्लीट हो गया, फिर अगला राउंड मैंने अपना जोन सा जो भी काम है वो मीन्स के जो भी ये मैंने टर्न नहीं किया। जैसे हम एक रो ख़त्म होती है तो टर्न करके हम नेक्स्ट दूसरी साइड पर जाते हैं, फिर वहाँ से रो ख़त्म होती है, फिर मैंने वो नहीं किया। बस फ़र्क इतना सेम इसी तरह गले पर भी है। ये मैंने सिंगल क्रोशे बनाया टर्न किए बगैर। अब ये देखें ये इस तरह से हो रहा है, तो हम ये क्या करेंगे कि हम इसको ये यहाँ मेरी रोज़ 4 रोज़ कम्प्लीट हो चुकी हैं, तो मैं इसको ऐसे करके पीछे से एक इस तरह कर दूंगी, स्लिप स्टिच लगा दूंगी पीछे करके। इसी तरह मैंने ये वाला बाजू भी बना लिया। ये देखें ये मेरा स्वेटर रेडी हो गया है। ये मैंने यहाँ इस तरह इसकी थोड़ी सी स्टिचिंग कर दी है ताकि जो उठाओ, आप चाहें तो आप यहाँ भी कर सकते हैं ऐसे, लेकिन मैं नहीं कर रही क्योंकि मुझे ऐसे ही ठीक लग रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। थैंक यू सो मच। मेरा स्वेटर रेडी हो गया है।